बल्ला ठा ले बल्ला बिजार मार दे बिजार भी है रे यहां बिजार भी है नु गिर गया यार बल्ला तो लाना पड़ेगा मार गिर गए चलो चलो दिखाओ मेरे को दिखा दो भाई इधर को चले तो भाई दिखाने जा रहे हैं भैया बात पक्की कंफर्म करेंगे ये इनसे उसे हिंदी में योगी भी कह दे गोगुई तो अम्मा तक कह देंगे या बिजार को भी हम पिता कह देंगे चौधरी जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद राष्ट्रीय लोक दल उसमें चौधरी गजा व्या चौधरी यही तो सरकार चली मासिक अन्य उसकी सरकार चलने वाली नहीं थी चौधरी गल्या और जो चौधरी ना होता मनोहर लाल खट्टर की सरकार चलने वाली सेकंड चलोगी। नमस्कार एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं भाई। बुढ़ाना विधानसभा में मौजूद है कल यानी कि वही बात है भाई यही रात अंतिम यही रात भारी बात करेंगे जनता भी नहीं किसान कहेंगे और सबसे बड़ी बात यह सारी पार्टियों का जाडा चढ़ रहा है पूछेंगे कि भाई किस कौन सी सरकार बनाना चाह रहा है आइए बातचीत करेंगे क्योंकि यहां से मेन मुद्दा ही हुआ है भाई उमेश मलिक चुनाव लड़ रहे थे कहीं ना कहीं उनके साथ एक पंगा भी हुआ था किसान आंदोलन के जब चल रहा था उसके साथ पंगा हुआ था सिसोली में चलो उनके उस मुद्दे बात नहीं करेंगे लेकिन उस मुद्दे बात करेंगे सरकार किसकी बनाना चाह रहा है और किसकी सरकार बनेगी कि ये क्या फ़ायदा होगा किसकी सरकार बनेगी फायदे के ऊपर बात करेंगे भाई साहब राम 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 भाई सारे राम राम कर दे और ठीक हो हाँ जी भाई गांव कौन सा पड़ा अपना गांव इटावा इटावा गांव हाँ मुजफ्फरनगर जिला इटावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है भाई और थोड़ी इटावा है बुढ़ाना में अच्छा राकेश टिकैत और उमेश मलिक यहाँ से अगर बात आ होता या विधानसभा जो है बड़ी फेमस हो जाए अब की बार मतलब किसकी सरकार बनाना चाहो गठबंधन RLD राजपाल बाल्यान राजपाल बाल्यान जी विधानसभा के जो प्रत्याशी थे राजपाल बाल्यान थे बुढ़ाना विधानसभा से तो हम अपनी बुढ़ाना विधानसभा से राजपाल बाल्यान को पिछली बार उमेश मलिक विधायक रहे हैं तो मतलब ऐसा क्या चेंज हुआ है किसान आंदोलन का फर्क पड़ा है या फिर क्या रहे भाई किसान आंदोलन का तो फर्क पड़ा ही है बहुत ज़्यादा ये देखो यहाँ पे इतने आदमी बैठे हैं सब किसान पशु के बिजार है जो हमारा पशु है उनके लिए बैठे हैं यहाँ पे खेत में अच्छा यहाँ बैठे रहा है मतलब पहरा देवे पहरा देवे अच्छा मैं बात करूँगा मेन पॉइंट की मतलब अभी जो एग्जिट पोल दिखाए हैं बड़े बड़े चैनल सर्वे करे हैं कि भाई अब की बार जो है बीजेपी 312 आ रही है यानी कि पिछली बार तो जितनी सीट थी ना उससे ज़्यादा ही आवेंगी नहीं आवे नहीं आएगी ये तो बेमन्ना कर रहे पूर्वांचल में उधर देख लो वाराणसी में उधर EVM मशीन पकड़ी गई इनकी तो भाई EVM मशीन पकड़ी गई इनकी तो रात को चोरी कर रखी जो ट्रक में और DCM में एम्बुलेंस में भर भर ले जा रहे तो ये तो फर्जी है सब काम इनका तो इधर चोर एक नंबर के लेकिन कहीं ना कहीं फिर यही आपने बताया कि राकेश टिकैत ने फिर दोबारा कहा कि भाई जितने किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के जहाँ पर काउंटिंग होनी है वहाँ पहुँचे और साथ में रोटी लेकर पहुँचे और एक बात भी सुनने को आई थी कि एक वो क्या कह रहा है सिर्फ बंधन कुछ ऐसे शब्द से कहा था नहीं वो कुछ डटा नहीं वो कुछ पता नहीं क्या नाम था उसका हाँ वो बांध कर चल लो रोटी रोटी लेकर चल लो अच्छा मतलब आप वो चुनाव आयोग है जो पूरी ईमानदारी से जो चुनाव करवाए हैं कहीं भी ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी भाई गड़बड़ी हो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखाए हैं इसलिए ये ऐसा इसलिए सोचा जा रहा जो रात की घटना और कल की घटना देखी जिसमें मशीन EVM मशीन की जो चोरी हुई ये इस वजह से जो है इस विचारधारा पर चल रही कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गड़बड़ ना हो जाए अच्छा क्या मतलब कहाँ कहाँ देखी आपने ये घटना ये घटना इधर पूरम में हुई है अखिलेश मतलब आप इसको क्यों मानते हो सच क्या पता वीडियो हो पुरानी भी हो वीडियो पुरानी कैसे हो जाएगी नई वीडियो है बिल्कुल नई वीडियो है यानी कि आपने मतलब क्या माहौल नजर आया था यहाँ पर जो भाई अब मतलब मान के गया कि हार हो जाएगी इनकी बीजेपी की हार है बीजेपी की 100% बीजेपी की हार है 100% 100 सीट नहीं आएगी 100 सीट में जो उनकी हार ना हो क्यों भागते फिर रहे नए वे मशीन की क्यों ठाते फिर रहे यहाँ वो डाणा ब्लॉक में उसका चुनाव हुआ था परमुखी का उसमें उन्होंने हंगामारी वोट गिरने की कोशिश करी खोसकर डाल ली जिला पंचायत की वोट खोसकर डाल ली उन्होंने प्रमुखी की वोट खोसकर डाल ली हंगामारी अपनी जबरदस्ती अपनी तानाशाही में सब कुछ अपनी तानाशाही में कर रहे ये एक किस्म से एक तानाशाह राज है लेकिन आप ये एक बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है उनकी तो 100 सीट बताई है उन्होंने नहीं नहीं ये झूठ है मतलब अभी तो देखो भाई बात ये है जो मत दिया था आम जनता ने आम पब्लिक ने वो बक्से में अभी बंद है वो देख अनुमानित बात होया करा भाई इतनी सिटीज़ की आ जाएंगी इतनी सिटीज़ की आ जाएंगी ये तो कल को पता चलेगा शाम तक जो है सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा और सभी से गुजारिश है कि
मतलब अनुशासन में रहे, मतलब ठीक ठाक ढंग से रहे, और सब ने यही भाई रिक्वेस्ट करी है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं होने वाली, चुनाव आयोग पर जो है पूरा विश्वास है। अगर एक बात पूछे तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, अगर वहाँ पर भी बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा था, अगर जो गड़बड़ी करते हैं वहाँ भी कर लेते हैं, कोशिश तो पंजाब में भी कर सके थे, कोशिश तो इनकी वहाँ पर भी पूरी रही, पर वहाँ पर चला नहीं इनका काम। वहाँ पे मैं उसकी बहन जी की जो सरकार है फिलहाल वहाँ पे, इनकी क्या नाम ले रहे, ममता बनर्जी बहन जी है जो, उनकी सरकार है, तो उसमें वे गड़बड़ कर नहीं पाए। वहाँ पे सीट बहुमत से भी बहुत ज़्यादा ऊपर थी उनकी सीट वहाँ पे। चलो अगर मतलब मान लिया जाए एक टाइम के लिए कि अगर जो बीजेपी सरकार बन जावे पूरे बहुमत से, तो यानी कि किसान आंदोलन ही फैल, और ममता बनर्जी जो यहाँ पर पहुँची थी सपोर्ट करने के लिए अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी को, वो भी सब फैल, इसको आप क्या कैसे किस नज़र से देखोगे? कोई इसको छोड़ देना। अच्छा जी जी, अजी इस तक कोई फैल होने वाला नहीं, बंगाल में भी 300 के पार, ये तो जहाँ भी जहाँ कहीं 350 के पार, ऐसा कुछ नहीं हो का, मन बदल जा जनता का। अरे इनकी मशीनों की बात, मशीनों में जो हथफेरी करें कि नहीं है, ये तो जनता ना जाने तक करें, ये मारा पूरा जितनी भी जनता है मासिक जागी, अति हथफेरी करने वाले नहीं, करने वाले नहीं, क्यों ताकत दिख है, गड़बड़ करेंगे, रोड़े रुक के करेंगे, कुछ भी होगा। और जब हम अपने घरों आराम तक लोट रे वोट घेर कर कैसे कर लो, उन्हें कौन रोकन जा रहा। और ये उस राकेश टिकैत ने जो बात कही है कि सब वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि सब अजी वो तो पहलते ही जहाँ कोई नई बात थोड़ा ही कही टिकैत साहब ने, इनको और ताकत सीते जाएंगे, क्यों पीछे हाथ पूज गए थे हमारे घरों लेट गए। यहाँ एल डी को एक सीट मिली थी, हाँ एक सीट, एक सीट मिली थी उस टाइम पर, जो हम घर ना रहते शायद एक सीट ना मिलती, फालतू मिलती, तो उसका लाभ ये हमारे घरों लेटने से लाभ मिल जाए लोगों को। हाँ अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात ये है कि आप बीजेपी सरकार को क्यों नहीं चाहती? कई जगह ये मुद्दे निकल का हुआ कि बीजेपी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, जो हमारी माँ बहन बेटी थी वे खुलेआम लिखर सका करता बाहर, तो इस बात में आप संतुष्ट क्यों नहीं हो इस बात से? आप एक बार मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, गुंडागर्दी जो ये यहाँ किसी की सरकार आ जाओ किसी की भी, आगे भी चल कर मामूली गुंडापन तो चले, यहाँ से क्यों जनता इतनी बैठी ली, इसे को कब्बू नहीं कर सकता। और यहाँ भी कमी नहीं, समय इस सरकार में भी कमी नहीं, एक अभी रात में आदमी पाया यहाँ से यंका कुर्थल का बता रही, एक थोड़े दिन पहले एक औरत मरी पड़ी थी, क्या वे राम रात थोड़ा ही आ रहा है यहाँ से। हाँ यानी कि बीजेपी सरकार नहीं आने वाली। अजी बीजेपी तो किसान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, हमारे बालक बर्बाद, हमारी बेटी बर्बाद, यह तो सर बर्बादी है। सिर्फ एक मजमे वाली पार्टी है या बंजमा लावे काम करने वाली है नहीं या। हाँ अच्छा आप क्या कहना चाह रहे थे? जो आप बोल रहे थे अभी कि भाई गुंडा राज खत्म कर दिया सरकार ने, आज सुबह सुबह यहाँ से अभी सुबह 9 बजे लाश मिली यहाँ से ही, एक आदमी अभी बरामद हुआ सुबह यहाँ से, वो यहाँ पे स्पेलर लग रहा था, उस स्पेलर में उसकी बाइक भी अंदर घुसा रखी थी और उसके गोली मार के वो यहीं पर डाल रखा। अभी 15 दिन पहले यहाँ पे ही एक भट्टा है हमारे पास में, वहाँ पे एक महिला मरी हुई थी, एक औरत मरी हुई थी, ठीक है जी। तो मतलब गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। अखिलेश की सरकार में 2 लाख कुछ रिकॉर्ड था क्राइम का, इसकी में 3 कूद रहा। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दों पर बात थी। आप भी कुछ कहना चाहोगे? मतलब ओके भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी हर्ष। हर्ष, बढ़िया करो। हाँ जी, कौन सी क्लास? 12वीं में। हाँ जी। अच्छा शिक्षा का सत्र किस तरह से चल रहा है? सही बात है, लेकिन ये कह रहे कि भाई पहले उसमें ना तो टीचर पाया कर दे, और जो टीचर पाया कर दे ना कुछ आंदा ही बना इस कार्यकाल में, कैसे कह रहे हैं? अजी कुछ नहीं है, तो सब बोलने की बात है। हाँ जी, मतलब कुछ नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी कोरोना काल में। पर बात है जी, मेरे ऊपर बात है पढ़ाई की, तो हाँ जी हम जैसा पढ़ेंगे ऐसा कर देंगे काम हम जी। नहीं टीचरों का तो फर्क पड़ा है ना, टीचर जैसे पढ़ाएंगे जैसे गाइड करेंगे। टीचर तो पहले भी ऐसे ही थे, भी ऐसे ही है। हाँ जी पहले भी ऐसे थे, हाँ भी ऐसे, इनमें क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं हुआ इनमें तो। नहीं करेंगे भी शिक्षा का सत्र ऊंचा कर रही है ना जी, सदर पत्र कुछ नहीं हो रहा, बस जी काम चल रहा है इनका बस, और कुछ नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो भीत पर लिख कर एक्सप्रेस कर दिया हमने, शिक्षा एक्सप्रेस, स्वास्थ्य एक्सप्रेस, सब चीज़ बिंदु पर लिख रखी, एक्सप्रेस कर दी सब चीज़, सब एक्सप्रेस है यहाँ पे, पढ़ाई शिक्षा सब कुछ, स्वास्थ्य
सब बिजली सब एक्सप्रेस है, कागजुम एक्सप्रेस है, वो भीत पे दीवारों पे और कागजुम है, इनमें एक्सप्रेस है, और कहीं वो जमीन स्तर पर कोई एक्सप्रेस नहीं है वो पढ़ाई लिखाई कुछ भी। चलो तो भाई यहाँ पर पहुँचे थे, बातचीत करी आम जनता से, आम किसान से, और ये ओके बचर चौरी थी, हाँ मैं सुनूंगा आपकी बात। और ये लोकेशन दिखा दे, एकदम यहाँ पर बैठे रहे, बैठे क्यों रहो, जानवरों की वजह से? हाँ जी, आवारा पशु की वजह से, सब गेहूँ खा दिया नाश कर दिया थे यार, छुट से गड़े। एक क्विंटल का भी गमीन लिखा, देखो उधर दिखा दो फसल भी, क्या बुरी हालत है, खैर की है, और सब दिखाओगे कैमरे में? हाँ जी दिखा दे, चलो 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 भाई आ जाओ, देखें कहाँ तक खैर की, आज पहली बार देख रहे हैं भाई। जानवर तो रन देनी खेतों में, गऊ साड़ा बना दी बीजेपी सरकार ने, तो इस बात के ऊपर चर्चा थी, ये बाला इसके क्यों हो सकता पड़े भाई, वहाँ पे बिजार मार के रखे यार, बाला तो लाना पड़ेगा मार के रखे। चलो दिखाओ मेरे को, दिखा दो भाई इधर को, चले तो भाई दिखाने जा रहे हैं भैया, बात पक्की कन्फर्म करेंगे आज कि भाई कितना जानवर इनकी फसल खा है, झूठी है क्या बात, सच्ची है? तो भाई बच का ये थोड़ा कैमरामैन मेरे, हाँ ये फोड़, हाँ दिखाइए मेरे तो। चलो भाई बाकी फसल ऐसी दिख तो नहीं रही कि कुछ खा रख क्या, लेकिन पूरा डिक्लेयर करेंगे कैमरे में आज, देसी देख भी ना ब्रेक भाई, ये देसी किसान मन मिल गया, देसी पना पड़े में भी है भाई, क्योंकि हम भी जमीन तो जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ दिखा दे एक बार मेरे, ए एक बार थोड़ा दिखाइए, एक मिनट रुको, क्या ओ बच गया, अच्छा अच्छा तो भाई मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी इसमें, ये देख एक बार दिखाइए, ये देख देख एक बार नीचे, ये जो है किसने खाई ये, अच्छा बिजार, मतलब बिजार किसको बोलते है, खगड़ ना सांड ना, आवारा पशु है जो ये, अच्छा वो जो खगड़ वगैरह, हाँ खगड़ बोल रहे, उसे हिंदी में योगी भी कहते हैं, अच्छा योगी भी कहते हैं उसे हमारे यहाँ पे, अच्छा नाम टेक दिया, हाँ योगी मोदी, अच्छा योगी मोदी, हाँ योगी बड़ा है, मोदी बड़ा है, योगी छोटा है, हाँ योगी योगी ज्यादा है, लाल सिधारी वाला, अच्छा लाल सिधारी, हाँ और मोदी, मोदी वो है जिसका सफेद से बाढ़ है, कुल्लू पे ऊपर नीचे, अच्छा अच्छा ये फसल ये खा रखी है भाई साहब, यहाँ पर आना भी दुश्वार है, बिना बल्ले के बिना लट्ठी के आ नहीं सकते, धाट देगा मारे टक्कर, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि यहाँ पे बल्ले लेकर ले ले आना पड़े हमें खेत में भी। ये तो कह रहे कि भाई मतलब कि गौ माता है वो है फलाना डिगटा, मतलब इसलिए भाई एक बात तो बताओ, गोगुई तो हम माता कह देंगे या बिजार को भी हम पिता कह देंगे, बताओ तुम ही, ये तो गोगुई तो माता कह गए, बिजार को तो पिता। रही दूसरी बात सुनो भाई, इनके लिए गौ साड़ा बनवा हुआ वो करा इनकी सरकार, कोई व्यवस्था करा जी, इतने गौ माता होगी इनकी, हमारी तो माता जी है नहीं पर योगी जी की हो, हम कह नहीं सकते उसमें, बिल्कुल देखो ये तो मतलब वो है भाई बात, और ये देखिए पूरी मतलब फसल खा रखी, मैंने वहाँ भी दिखाया था, मतलब इन ये आ गए ना ऊपर बैल आ गए, चूंटी जो है ना भाई, ये यहाँ पे जो दिक्कत है, जैसे भाई हम वहाँ पे नजदीकी में बैठे रहे 12 के उसमें वहाँ पे, तो वहाँ से इधर तो आते नहीं, इधर का पीछे पीछे का सारा खा दिया, देखो दिखा दो आप, अच्छा ये सारा खा दिया, ये पीछे पीछे का सब खा गए, वो ये जो ये टीक सी दिख ला रही, मतलब इसमें खा रखी है, इसमें कुछ देखो, अच्छा अच्छा बीच में तो एरिया बराबर, मतलब सारा डंगा खा रखा इन्होंने, अच्छा अच्छा हाँ जी देखो बीच बीच में छूट रहे सारे, मुंह मुंह तो नीचा दबाए रखे सारे के सारे, अच्छा अच्छा हाँ जी बहुत बुरी हालत है, गुंडा काम है गणा। तो भाई ये देख सका पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी समस्या देखने को मिला, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और भाई लगातार इसी तरह से हम दिखाते रहेंगे जो माहौल बनेगा, किसका डंका बजेगा, किसके सरकार का बजेगा, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चलो भाई जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी उत्तर प्रदेश का बादशाह है भाई, नमस्कार, बादशाह है, शेर है, शेर, चलो भाई जय हिंद भारत माता की जय जय, ओके भाई।